तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का तालियों के साथ स्वागत कीजिए और मैं मंच पर उनको आमंत्रित करता हूं। असद, बहुत स्वागत है आपका। प्लीज इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं अपने सहयोगियों से गुजारिश करूंगा, जब उनके पास उनके जहन में कोई भी सवाल हो मुझे इशारा कर दीजिएगा, मैं आपकी तरफ भी निगाह रखूंगा। और असद, सबसे पहले तो ये मैं रिपोर्ट देख रहा था, आपने कहा कि अब हम बैंड बाजा नहीं बनेंगे, इनकी मुराद इस बात से है कि बाकी पार्टियों ने मुसलमानों का इस्तेमाल इस तरीके से किया कि उनके वोट तो लिए लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी और उनका रिप्रेजेंटेशन जैसा होना चाहिए था वो हुआ नहीं, क्योंकि वो बैंड बाजा आया बारात के साथ लेकिन पंडाल में बाहर जैसे बैंड बाजा को रोक दिया जाता है, अंदर बस दूल्हा जाता है उस तरीके से, तो ये बैंड बाजा अब नहीं, तो बैंड अब बजाएंगे किसका आप? नहीं देखिए, बैंड बजाएंगे माने चुनाव में जब जाएंगे तो सबसे मुकाबला करना पड़ेगा, आप कोई अपोनेंट को पिक एंड चूज नहीं कर सकते, तो कोशिश ये होगी कि हमारे कैंडिडेट के हमारे प्रत्याशी की कामयाबी हो। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हर जगह ये समझा जाता है कि आप बीजेपी का काम आसान करने के लिए पहुंच रहे हैं? नहीं, अब देखिए, हम काम आसान आज किए क्या, कल जो घटना हुई हमारे वजह से हुई क्या, इतने लोग मारे गए, 8 लोग, अब उसमें एक नाम कमी थी, हमारा नाम नहीं डाले उसमें, तो ऐसा हो तो हर जगह नाम डाल देंगे। तो सवाल ये है कि सेकुलर, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, वो लोग बीजेपी को रोकने में सरासर नाकाम साबित हुए हैं। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ और आज फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब उनको जनता वोट नहीं देती है और उनको हार मिलती है तो वो कभी हिम्मत से ये नहीं कहते कि हमको हिंदू वोट नहीं मिला इसलिए हमको कामयाबी नहीं मिली। और जब हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इनको फिक्र हो जाती है कि फिर मुस्लिम वोट का क्या होगा। हम ये कह रहे हैं कि भाई 2019 के लोकसभा के चुनाव में सपा और बीएसपी साथ मिलकर लड़े, तब भी आप से 15 सीट जीते, इसकी जिम्मेदारी किस पर डालेंगे, हम तो थे ही नहीं यहाँ पर। तो ये इनकी एक बुजदिली है, ये गुरूर है इनका कि ये अपनी कमज़ोरियों को अपनी गलतियों को दूर करना नहीं चाहते, इसीलिए समझते हैं कि मुस्लिम वोट चाहे उत्तर प्रदेश का बल्कि पूरे देश का हो वो इनका कैदी है और वो कैप्टिव है और इसीलिए मनमानी करते रहते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।